एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि डी डी गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पे आपके पीएसडी के एडमिशन के रिगार्डिंग आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 22 मई है, ठीक है, मतलब आज है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पीएसडी का फॉर्म नहीं फिल किया या कोई समस्या आ रही, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी भी तरह की, तो आप हमें यहाँ व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम पे, क्योंकि यहाँ पर जो है लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की आपकी 22 मई है, जो कि आज है। क्या फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी, पेपर कब होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें होंगी। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी तक आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ है तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे रिसर्च मैथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन हैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब जितने भी एडमिट कार्ड कब आएगा, पेपर का पैटर्न क्या है, वॉट एवर द सिलेबस, आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ तो ज्वाइन हो जाएगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे डाउट्स, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मन में यहाँ पर डाउट्स हैं, सारे डाउट्स को आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं डीडी की वेबसाइट पर। यहाँ पर तो अगर आप यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं 100% और इस साल ही आपका जो है आरईटी परीक्षा हो रहा है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, इसके बाद जो भी पीएचडी में एडमिशन होगा वो आपके नेट के थ्रू होगा, जेआरएफ के थ्रू होगा। तो इस बार आपके पास अच्छा मौका है कि आप हमारे कोर्सेज में भी इनरोल हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को परचेस किया है। यहाँ पर बात करें रिसर्च मैथोलॉजी, अगर हम बात करें तो मेन पेपर होता है, जिसमें यहाँ पर 50% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो यहाँ पर हम आपको एमसीक्यू देंगे 500, मतलब 300 to 400 एमसीक्यू यहाँ पर एनएफ होंगे इस कोर्स में, मतलब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, कुछ भी आपको इसके अलावा और भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर, भाई अगर आप कोई भी एंट्रेंस देने जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर के बिना आप यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत मुश्किल हो जाता है क्वालिफाई करना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है सॉल्व करना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आपको देंगे। सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट में आपका जो सेकेंड पेपर है इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, एजुकेशन है, हिस्ट्री है, हिंदी है, कोई भी है, यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू देंगे और कंप्लीट नोट्स देंगे, मतलब सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें कोर्स में मिलेंगी। बस आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है 8896914354 पे, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। परेशान नहीं होना है, अच्छे से फॉर्म को फिल करना है, कोर्स को परचेस करिए और आराम से अपनी तैयारी करिए। 100% यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका रिट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके वहीं से क्या हो जाते हैं, छपते हैं एग्ज़ाम में। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं देखोगे तब तक आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही एक अपडेट देनी थी, आई थिंक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। तो वीडियो आपके लिए कोई से भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पीएचडी देने जा रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और भी क्वेरी है, डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पिन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। बस आराम से आपको पढ़ना है, कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। एडमिशन के सेक्शन पर जाना है, एडमिशन पोर्टल पर यहाँ पर जाना है, और पोर्टल पे जाते ही आपका कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही होंगी, पीएचडी, ठीक है, पीएचडी प्रोग्राम विच इज़ हेयर, ठीक है। ब्रोचर डाउनलोड करना है तो मैंने व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया, या तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीएचडी प्रोग्राम पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, लास्ट डेट फॉर पीएचडी प्रोग्राम 22 मई 2024, मतलब आज आपकी लास्ट डेट है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है, मतलब अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन जितने बच्चों ने नहीं किया है तो वह रजिस्ट्रेशन जाकर डीडीयू की वेबसाइट पे आप कर सकते हैं। सिंपली रजिस्ट्रेशन में आपके डिटेल्स फिल करने हैं। अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हो, आपने ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे फॉर्म फिल करना है। तो देखो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की डेट है 22 मई,
तो 22 मई तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लो, लेकिन कंप्लीट जो है पेमेंट है यहाँ पर, उसके बाद आपको जी जो भी मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी है, पेमेंट करना है, वो 26 मई तक है। तो रजिस्ट्रेशन आज कर लो जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं किया, और 26 मई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें, जैसे कि काफ़ी बच्चों के यहाँ पर लॉग इन, यहाँ पर रजिस्टर और क्लिक हियर टू लॉग इन, तो यहाँ पर आपकी क्या डेट के फॉर्म भरेगी, तो यहाँ पर एक्सटेंड नहीं होगी। याद रखिएगा, फॉर्म की जो डेट है वो आपकी 22 मई होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपका सेकेंड वीक ऑफ जून में, जून के दूसरे सप्ताह में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर लो। कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी तरह की समस्या आ रही है, तो वो मैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी हुई तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपको पता है DDO वाले क्या, अगर बस आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी कमी दिखे तो भाई वहाँ पर चीज़ें क्या हैं, कैंसिल कर देंगे। तो इसीलिए फॉर्म को अच्छे से भरो, क्योंकि वही डिटेल्स आपको फिर एडमिट कार्ड, फिर आपका जब एडमिशन होगा, वो सारी चीज़ें आपकी, एक भी चीज़ें गलत हो जाएंगी तो फिर वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देनी थी। एक बात और है, अगर हम यहाँ पर बात करें,